हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं उनकी आदतों के बारे में। आखिर क्या उनकी आदतें होती हैं, उनकी हैबिट्स के बारे में आप जानोगे कि वो कैसे क्या क्या चीज डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी चीज ऐसी होती हैं जो करते हैं इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं। सो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। फर्स्ट हैबिट होती है सक्सेसफुल इंसान की, दे डिफाइंड गोल। उनके पास एक क्लियर गोल होता है, उनको पता रहता है कि मुझे यहां जाना है, मुझे यहां तक पहुंचना है। उसके तरीके अलग होंगे लेकिन गोल उनका वही रहता है। वो डिसाइड करके चलते हैं कि मेरा गोल यही है और मुझे यहां पहुंचना है, कैसे भी करके मुझे यहां पहुंचना है। सेकेंड हैबिट जो हर एक सक्सेसफुल इंसान के पास होती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे यहां तक कैसे पहुंचना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। इसीलिए वो सक्सेसफुल लोग होते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले और वहां पे पहुंच जाए, कभी नहीं हो सकता। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेना होगा, दूसरों की नहीं। सेकेंड हैबिट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, दे फॉलो डिसिप्लिन। वो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका हैबिट जो होता है वो एकदम डिसिप्लिन्ड होता है। उनको पता रहता है कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, 5 मिनट में क्या करना है। उनकी हर एक मिनट की प्लानिंग होती है, अपना टाइम वेस्ट न जाए, वैसे वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। चलिए चौथी हैबिट के बारे में बात करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना होगा, खुद पे खुद को स्टडी, खुद की नॉलेज इंप्रूव करनी होगी, खुद की नॉलेज बढ़ानी होगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। खुद को आगे लेके जाना होगा, खुद पे इन्वेस्ट करना होगा, खुद पे फोकस करना होगा, खुद का फोकस बढ़ाना होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब आप आगे जा पाएंगे। चलिए बात करते हैं पांचवें हैबिट के बारे में, वो है रीडिंग। क्या आपने नाम सुना है कभी कोई इंसान बिना रीड किए, बिना पढ़े किए हुए सक्सेसफुल हो गया होगा? कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े हुए कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। मार्क जुकरबर्ग ऐसा इंसान, इतने सक्सेसफुल इंसान होने के बावजूद भी उनको एक वीक में एक बुक खत्म करना होता है। वॉरेन बफेट 89 साल के हो गए हैं लेकिन उनको अभी भी बुक पढ़ रहे हैं, वो अभी भी अपने ऊपर रीडिंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो रीडिंग ना करता हो। सो ये थे वो पांच हैबिट्स जो अगर आप, जो हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होते हैं, अगर आप इनको अपने अंदर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने भाई का मेहनत का इनाम उसे जरूर देना। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।